It is said that love and compassion are necessities, not luxuries. Without these, humanity cannot survive. With this thought-provoking message, I, Rakesh Mutreja, welcome all our viewers in another episode of News Divine on behalf of the entire team. Namaskar, Nan Nirankar. News Divine, a platform to stay spiritually updated. अप्रैल महीने की समाचार यात्रा को शुरू करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। हेडलाइंस ऑफ द मंथ, कल्याण यात्राएं व समागम, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात व अन्य खबरें। और अब समाचार विस्तार से। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ तोय। और ऐसे ही दिव्य और दुर्लभ अवसर सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। जी हाँ, मार्च 2015 में भी गुरुदेव की अनुकंपा देश के अनेक राज्यों में प्रांतीय समागमों व कल्याण यात्राओं के रूप में बरसती रही। आइए चलते हैं इन समागमों में इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्रादेशिक समागमों की इस लड़ी में पहला समागम 7 मार्च को सद्गुरु बाबा जी व पूज्य माता जी की छत्र छाया में हरिद्वार में सम्पन्न हुआ। समागम का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। पहाड़ी लोक संस्कृति के आधार पर लोक गीतों व लोक धुनों की मधुर ध्वनि के साथ भक्तजन नाचते गाते पालकी के आगे से गुजरते रहे और अपने ईष्ट के दर्शन पाकर गदगद होते रहे। समागम के पहले दिन मानवता के नाम संदेश देते हुए सद्गुरु बाबा जी ने फरमाया, ये जो संसार मानवता की डगर को छोड़ चुका है, जिसके कारण दानवता वाली प्रवृत्ति संसार का दुनिया का नुकसान करती चली जा रही है, तो पुनः मानवता को मजबूत करने के लिए इंसान को उसका असली स्वरूप प्रदान करने के लिए ऐसी इंसानियत वाले गुणों से युक्त करके इस जीवन के सफ़र को तय करने के लिए प्रेरित महापुरुष कर रहे हैं। और ये सत्य का संदेश ये जगह जगह पर जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और याद कराई जा रही है उन आदेशों उपदेशों की जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने संतों महात्माओं ने सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग हर युग में जो संदेश दिए थे वही संदेश आज दोहराया जा रहा है। दूसरे दिन यानी 8 मार्च को सेवा दल रैली का आयोजन हुआ। सत्संग सेवा दल रैली के साथ जारी रहा। निरंतर होती वर्षा के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मार्च के ही महीने में 21 तारीख को फिर इस दिव्य जोड़ी का आगमन हुआ जबलपुर की धरती पर, जहां मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक संत समागम का आयोजन हुआ। यहां भी पहले दिन का आरंभ भव्य शोभा यात्रा से हुआ। दिव्य जोड़ी की छवि को निहारते ही भक्तों के चेहरे खुशी से चमक उठे। दूसरे दिन यानी 22 मार्च को सेवा दल की रैली का आयोजन था। सेवा दल की रैली का शुभ आरंभ सद्गुरु बाबा जी के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण से हुआ, जिसमें जबलपुर के अलावा अन्य क्षेत्रों के सेवादारों ने अपनी प्रतिभा व समर्पित सेवा भाव का परिचय दिया। सेवा दल की रैली के उपरांत सत्संग कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें सतगुरु बाबा जी ने संदेश देते हुए कहा कि ऐसा सुंदर वातावरण दुनिया भर में स्थापित हो ताकि हर इंसान राहत की सांस ले सके। दो दिवसीय समागम संपन्न हो जाने के बाद गुरु वंदना का रंगारंग समारोह हुआ, जिसमें भक्त कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी कला की प्रस्तुति दी। 25 मार्च को बिहार और झारखंड का प्रादेशिक संत समागम रांची में संपन्न हुआ। इस समागम में भी पहले दिन शोभा यात्रा व सत्संग कार्यक्रम हुआ और 26 मार्च को प्रातः सेवा दल रैली और दोपहर बाद सत्संग कार्यक्रम संपन्न हुआ। समागमों की इस लड़ी में 28 और 29 मार्च को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रादेशिक संत समागम पश्चिम बंगाल के वर्धमान शहर में संपन्न हुआ, जिसमें पहले दिन शोभा यात्रा व सत्संग और दूसरे दिन सेवा दल रैली के पश्चात सत्संग कार्यक्रम मुख्य रहे। इस समागम की संपन्नता
सद्गुरु बाबा जी के विचारों के उपरांत हुई। अपने संदेश में हुजूर ने फरमाया, संत महात्मा ही होते हैं जो हितकारी होते हैं। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दूसरे का हित करने जैसा धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा देने जैसी अधमता नहीं है, नीचता नहीं है। तो इसलिए जो परहित करते हैं, जो हितकारी होते हैं, हित करना जानते हैं, केवल हित की ही सोच रहती है, बिगाड़ की नहीं, संवारने की सोच रहती है, वही हमारे सखा होते हैं, वही हमारे मित्र होते हैं, वही हमारे हितैषी होते हैं। और अगर जो विपरीत दिशा की तरफ हमें मोड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा दुश्मन हमारा बड़ा और कोई नहीं होगा। हम सोचते हैं कि वो हमारा हितकारी है, दोस्त है, ये नहीं पता कि हमारे मन में ऐसी जहर भर रहा है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन होके साबित होगा। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा वही करने जा रहा है जब तुम्हें गलत रास्ते पे चला रहा है। दोस्तों, कल्याण यात्राओं व प्रांतीय समागमों के बाद अब समय है दूर देशों में मिशन के प्रचार के लिए किए जा रहे प्रयासों के विषय में जानने का। ओवर टू मिशन ओवरसीज थ्रू दिस रिपोर्ट। द न्यूयॉर्क ब्रांच ऑफ द मिशन सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन द 8th of March 2015, एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ इक्वालिटी एंड वननेस इन द सोसाइटी विदाउट एनी प्रेजुडिस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। The program was attended by the Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, besides many other dignitaries. Let's take a look at this report. Dhanakaji, dear saints, it's International Women's Day and we are here with New York Metro Sadh Sangat in New York City at the UN headquarters. Today, celebrating gender equality and oneness. Gender equality? Yeah. Are we here for he's and she's being equal? Yeah. International Women's Day, why is it important to you? Because women are just as smart and as capable and able to do things as anybody else. It's about time that women have equal rights to men in this country. We consider ourselves a first world country and yet women aren't treated the same in all aspects. De Argentina, las mujeres rurales también estamos presentes en estas jornadas que son tan importantes a nivel mundial por los derechos y por la paz y por la libertad de las mujeres. Most importantly, fellow citizens, fellow marchers, thank you for your strong commitment for gender equality. We need global action. Action! We want gender equality. We want it now. We are you and you are us. There are no lines there. We are human. It makes us a collective. It makes us united. It makes us one. So let's be one. One race. One race. One planet. So we're very fortunate now to have Miss Kim here, who's from the International Women's Peace Group. Now tell us, why is it important to have events like these? 이제 우리 여성들도 이제 그동안에는 오랜 시간 동안 하는 수혜를 입는 그런 여성의 입장에서 앞으로는 또 우리 여성 인권도 보호받고 또 모든 세계에 모든 여성들이 평화를 위해서도 앞장설 수 있는 그러한 아주 중요한 역할을 할 수 있는 여성들이라는 것을 보여주기 위해서 또 이런 세계 여성의 날이 제정됐고 저도 이 자리에 함께했습니다. I want you to think about who you're marching for. I'm marching for my daughter. But I'm also marching for my two sons who also deserve to live in a world free from a gender inequality. Why is it so important to attend such events like these? This is a worldwide event and it is for the right cause. And as we all know, Sant Nirankari Mission has been involved in this kind of program at the United Nations. So we are so glad that this year we have the extension of whatever we were doing in the past. UN says we want to be 50-50 by 2020, right?
that by 2030 they want that 50-50 should be the gender. And His Holiness Sadhguru Babaji from Sandankari Mission, he has always encouraged the women. I mean, Baba Guruvachan Singh Ji made her wife sit next to her when there was so much of discrimination against women. And that's the cause we are celebrating here today. We have to start from home and treating our ladies respectfully. And this is the message of Sant Nirankari Mission and the prophet of the time, Nirankari Babaji. When you look at the stats, thousands of women have been trained in our vocational centers. Thousands of women are being trained in our schools and our colleges to make sure that we're producing a world that's equal. Right now, this is a movement that we have to fight for, that we women has talent created to us by God. I believe in equal rights. 280 participants from the Sant Nirankari Mission are here to attend gender equality and women's rights. This is Sangat Wine song. When you support humanity and gender equality, we are oneness. And it's been 3 years running that the Sant Nirankari Mission have been doing this. How does it feel for the first time that 280 members of the Sant Nirankari Mission came here today? Vivek ji, please. Yeah, it was with the blessings of Babaji, we got this opportunity to be part of the parade. As you said, it's the first time mission was represented at such a platform, partnering with UN Women. So with blessings of Babaji, we look forward to many such events. It is amazing and historic event. And I'm happy about this, that our mission is already spreading this message of equality. And this equality is not possible without spirituality. And this is a kind of a golden opportunity for all of us to be a part of this. Tell me, how did it feel to be part of this wonderful parade? It was amazing. It was a really nice parade. There were, I think, between 10 to 15,000 people. We took part as marshals. We took part as managers. We took part in the parade also. It was an awesome experience. Had a wonderful, wonderful time. We dreamt of having a parade in New York City. We can't, where the logistics are so difficult, but here was an opportunity. I couldn't be more delighted that Babaji himself blessed that the entire Sangat New York Metro participated in it. A ladies' spiritual assembly was also organized on the 28th and 29th of March 2015 in Tracy, USA. Here is a report. Hundreds of women from different states like New York, Florida, California, and Colorado came together for the first Lady Samagam hosted by the Sant Nirankari Mission in the United States. And it's not just women here, men and children are also present. As you're about to see, they're here to discuss how women can empower themselves through spirituality. About 400 guests were welcomed with a cultural program featuring devotional songs, poems, dances, and skits in different languages that highlighted how women can implement spiritual teachings so they can experience love and peace all around. The event was part of a two-day Lady Samagam held in Tracy, California. Ladies of all ages participated at the women's conference, including young children. Women empowerment means standing up for yourself. Presiding over the event was Preet Sahi, the chapter in charge of the Sant Nirankari Mission in Fort Lauderdale, Florida. The mission is a spiritual movement trying to unify mankind for the good of humanity. In her sermon, Sahi stressed that it's important women realize their own potential. When we educate a man, we are educating an individual. But when we educate a woman, we are educating a family. Among the dignitaries present was the Honorable Teresa Cox, who's a trade advisor for the Obama administration. If we were concerned with what is happening on the inside, then we would have a better world that's happening on the outside. Cox said there's a strong need for women empowerment today. When women succeed, so do our communities. We can do it together. Let's do it!
Although the ladies ran the show, the men showed their support by attending and helping when needed. Behind the scenes, volunteers prepared and provided food round the clock throughout the entire weekend, and the women, having made new friends, found it hard to say goodbye. Many of these women were inspired, knowing what they are today will reflect in how the world is tomorrow. Given the positive response to the Lady Samagam, organizers say they hope to have many more in the future. This is Arthi Nehru reporting. A Bhakti Sangeet program was also organized by the S&M branch of Toronto, Canada, where melodious musical renditions were presented to share and spread the message of truth, love, and harmony in oneness. न्यूज़ डिवाइन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक, शीघ्र लौटेंगे। फाउंटेन ऑफ वननेस, द लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए पधारें निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 7 and 7:30 PM। न्यूज़ डिवाइन में सभी दर्शकों का पुनः स्वागत। न्यूज़ डिवाइन, स्टे स्पिरिचुअली अपडेटेड। आइए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, SNCF डायरी। जी हाँ, जानते हैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा किए गए मार्च महीने में मानव हित की गतिविधियों का एक ब्यौरा इस रिपोर्ट के माध्यम से। 1 मार्च 2015 को SNCF द्वारा मुंबई के धारावी क्षेत्र में एक स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया, जहाँ मिशन के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने एशिया के इस विशालतम स्लम एरिया की संकरी गलियों में जाकर सफाई की। इस अभियान को हिंदुस्तान टाइम्स और FYI यानी फॉर यंग इंडिया नाम की संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया। On 8th of March 2015, a self-defense camp for women was organized to mark the occasion of International Women's Day by SNCF. The two-hour-long self-defense camp was held between 5 p.m. and 7 p.m. in cement grounds opposite CG Colony, Antop Hill, Mumbai. Mr. Amit Lalwani, Principal Kickboxing Mew Academy, conducted the one-hour workshop on self-defense. Around 100 women candidates, including the local residents, enthusiastically participated in the self-defense camp. The Sant Nirankari Charitable Foundation took a leap ahead by taking over the charge of study rooms called Abhyasika of 119 BMC schools in Mumbai. The foundation would be responsible for supervision and maintaining record of students using these study rooms. The volunteers would ensure opening and closing of study rooms in time. 75 weekly satsangs are also conducted in BMC schools all over Mumbai to help enlighten minds. The Nirankari Vocational Center, Tilaknagar, organized its graduation ceremony on the 18th of March 2015 for successful candidates. A free workshop on stress management was also conducted on the same day. After mission overseas, it's time to move on further in this episode. But before that, let's take a short break. Fountain of Oneness, the light and sound show. Dekhne ke liye padhare Nirankari Sarovar Complex. Every Friday, Saturday and Sunday, 7 and 7:30 p.m. दोस्तों, न्यूज़ डिवाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। चैरिटेबल फाउंडेशन के योगदानों के समाचारों के बाद अब बढ़ते हैं उस सेक्शन की ओर, जिसमें एक विशिष्ट अतिथि से हम उनके भाव जानेंगे। जी हाँ, सेक्शन का नाम है एक खास मुलाकात, और इस बार हमारे साथ हैं श्रीमती आरती मेहरा, UNO के एशिया पैसिफिक क्षेत्र की निदेशक।
The Nirankari Mission is doing everything that is under the umbrella of the values of the United Nations. United Nations stands for peace, for development, for human rights, and everything that the Nirankari Mission is doing exactly that. They are making sure that people have enough in the world. They're trying to make a difference so that the underprivileged can finally reach a level that they can feel they can live in dignity. And I think that all that leads to eradicating poverty, all that leads to making the world a better place. And that is what the United Nations wants. एक खास मुलाकात इस सेक्शन के बाद दोस्तों जाहिर है हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं अन्य समाचारों के साथ। मार्च महीने में निरंकारी मिशन में प्रचार विभाग की ओर से भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रचारक ट्रेनिंग कैंप्स आयोजित किए गए जहां मिशन की मूल विचारधारा व बदलते समय की प्रचार व्यवस्था पर जोर देते हुए सत्य के प्रचार से संबंधित निर्देश साझा किए गए जिन स्थानों पर ये कैंप्स लगाए गए उनमें प्रमुख रहे रायपुर छत्तीसगढ़ और नागपुर इसी प्रकार प्रचार विभाग द्वारा इस महीने में दिल्ली एवं ग्रेटर दिल्ली के साथ साथ लगभग सभी जोन्स में जोनल लेवल के इंग्लिश मीडियम समागम आयोजित किए गए इन समागमों में नौजवान भाई बहनों एवं बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया समागम में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों जैसे क्विज ग्रुप सॉन्ग्स स्पीच एवं स्किट्स के माध्यम से इंग्लिश भाषा में मिशन का संदेश पहुंचाया गया निरंकारी मिशन के इतिहास दर्शन व गतिविधियों का प्रदर्शन निरंकारी एग्जीबिशंस के माध्यम से अनेक स्थानों पर चलता रहा इसी प्रकार दफ्तरों के कार्यक्रमों का सिलसिला भी हॉस्पिटल्स जेल्स ऑफिसेस और कोर्ट्स में निरंतर चलता रहा तो दर्शकों ये था सिलसिला मार्च महीने में निरंकारी मिशन में हुई गतिविधियों का और अब समय है आपसे अनुमति लेने का पर उससे पहले हमें अवश्य याद रखना है कि अप्रैल के महीने में हम बाबा गुरुबचन सिंह जी के बलिदान व जीवन का स्मरण करते हैं और 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के रूप में समस्त मानवता को एक सूत्र में पिरोने की निरंकारी मिशन की मूल विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं इस दिन और इसके बाद भी हजारों की संख्या में निरंकारी भक्त व सेवादार रक्तदान करके अपने इस प्रयास का शुभ संकेत व उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आप भी मानव एकता दिवस पर अवश्य शामिल हों और अब इजाजत दीजिए राकेश को अगले महीने फिर हाजिर होंगे अप्रैल 2015 के समाचारों के साथ नमस्कार धन निरंकार